देखिए, एक्सीडेंट के बाद ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग हो रहा है, लेकिन देखो देखो कहाँ देख रहा है, कहाँ चल रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो है पूरा क्रैक हो चुका है। तो अपना टेक चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज चेकअप कर लीजिए। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो, फिर से नहीं बोल सकते बहुत दिनों के बाद एक वीडियो में। देखिए, एक्सीडेंट के बाद ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग हो रहा है। वैसे इसके पहले एक छोटी सी राइड की थी जो कि सिटी राइड थी, 15 अगस्त का, ये था आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उस दिन हमने एक सिटी राइड की थी। बट आज प्रॉपर मोटो ब्लॉग बन रहा है यार। गाइस देखिए, बहुत दिनों से सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊं, लेकिन दिल नहीं हो रहा था यार, कि मतलब जब से एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से एक थोड़ा मतलब डीमोटिवेट हो गया हूँ, थोड़ा डीमोटिवेट हो गया हूँ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कुछ कोशिश कर रहा हूँ, आज एक तो काम है उसको निपटाना है, सिटी जा रहा था तो सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग ही क्यों ना बना लूँ। मतलब देखो, एक छोटी सी रिवीजन हो जाएगी, बहुत दिनों की आदत जो छूट गई है या नहीं छूटी है पता नहीं, लेकिन शायद से वो ठीक हो जाए। बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग आज कर रहा हूँ, तो लेकिन मैंने आज माइक ही चेंज नहीं किया यार। लगभग मैं मतलब चार महीनों के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और ये वही वाला पुराना वाला ही माइक है, 4 महीने पुराना, जो कि 4 महीने यूज़ ही नहीं हुआ है यार। तो साउंड कैसी आ रही है मुझे तो पता नहीं, जब मैं एडिटिंग करूँगा तो मुझे पता चलेगा। और एक छोटी सी चीज़ लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है अपने को, अगर कहीं पे राइड पे जाते हैं या कहीं पे अटक जाते हैं या अंधेरे में अटक जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है अपने को। एक छोटी सी चीज़ है, हैंडी है लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या है मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, बने रहिए वीडियो के साथ। फेब्रुआरी चालू है, मिड मंथ है फेब्रुआरी का, लेकिन देखो कहाँ देख रहा है, देखो कहाँ देख रहा है, कहाँ चल रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, कहाँ चल रहा है यार। ऐसे लोगों से ना यार हमेशा सावधान रहना पड़ता है, पता चले अपने को ही ले पड़े, खुद भी गिरते हैं दूसरों को भी गिराते हैं। और वो और पीछे भाई साहब एक मिले, फ़ोन पे टेढ़ी गर्दन करके चल रहे और क्रॉस कर रहे भाई, क्या कैसे करें अभी, क्या बोले, ना इंडिकेटर ना कुछ, टेढ़ी गर्दन करके सीधा चल रहे, रोड क्रॉस कर रहे। लेकिन तब कैमरा बंद था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कभी कभार कि कैमरा बंद होता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो यार गाइस, गुजारिश यही होगी, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, चंद लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश रहेगी कि गाइस देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, यही गुजारिश रहेगी कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ज़रूर करें। देखो सेफ्टी ज़रूरी है, क्या होगा, 5 मिनट जहाँ पे पहुँचना है ना लेट पहुँचेंगे, लेकिन यार ठीक से पहुँच जाएंगे ना। ऊपर लिखा है 2.5 मीटर्स, इसकी कार बोले तो वो ट्रेलर जो है ऊपर का, उसका हाइट ज़्यादा है, अंदर नहीं घुस रही। और यार यार गाइस, ये टनल में ना साउंड बहुत बढ़िया आती है, लेकिन ट्रैफिक वाले हमेशा यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वन वे है, यहाँ से घुसना अलाउड नहीं है लेकिन यहाँ से जाना अलाउड है। पता नहीं अगले टायर में से ना कुछ ऐसे टकराने की आवाज़ आ रही है, बारीक जैसे मेटल जैसी आवाज़ आ रही है, पता नहीं यार क्या है वहाँ पे, लेकिन मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो टूटा है यार, क्योंकि
कैमरा बंद था मेरा, पीछे थोड़ा गड्ढा आया, एक स्पीड ब्रेकर था तो वहाँ पे थोड़ा जर्क लगा, तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, ढूंढना पड़ेगा दया। सो गाइस, ये हमारी बाइक और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है पूरा क्रैक हो गया है। कैसे हुआ पता नहीं लेकिन क्रैक है। सो गाइस, सबसे पहले अपने को करवाना पड़ेगा ये बाइक का काम जो टूटा हुआ है वो एंगल। कल मैंने हर्षल भाई को फ़ोटो भी भेजी थी और भाई दिखा के आया बाइक, उन्होंने बोला कि यार देखो अगर लगाना है तो पूरा इधर का तीन और दूसरे साइड का तीन ऐसा पूरा सेट ही आता है, इससे अच्छा है तुम वेल्डिंग करा लो उसको, वो फिक्स हो जाएगा, इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है। तो देखो यार ये जो काम है हमारा वो फिक्स हो चुका है, वो शायद वाइब्रेशन की वजह से ना टूट गया था या फिर कोई जर्क आया होगा उसकी वजह से। लेकिन देखो मैंने नए के लिए पूछा तो नया यार पूरा छः का सेट आता है, मतलब ये साइड से तीन दूसरे साइड से तीन, तो वो अराउंड 600 से 700 रुपए के आसपास आता है ऐसा बोला गया था, परफेक्ट प्राइस तो नहीं पता। लेकिन यार फिर सोचा कि एक ही अगर टूटा है तो क्यों ना उसको चेंज ना करके गैस वेल्डिंग करवा लूँ, 30 रुपए में काम हो जाएगा। और गाइस देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है तो उसके ओकेजन पे बहुत ज़्यादा यार स्टेजेस और बैनर्स लगे हुए हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के दिन हमने भी एक राइड प्लान की है। पता नहीं मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि शायद मुझे उस दिन कुछ काम है, लेकिन कोशिश तो रहेगी। अगर वीडियो आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है। और हमने एक चैनल भी ओपन किया है, एक जो चीज़ ली है वो बैग में पड़ी हुई है, उसकी अनबॉक्सिंग अगर आप देखना चाहते हो तो अपना टेक चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहे हैं, और वहाँ पे हमने एक बनाया है गेमिंग कंप्यूटर भी बनाया है वहाँ पे, तो आप जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते। उनके दुकान से ना वो बेल पत्ती जो होती है वो लेनी थी, कल शिवरात्रि है इसी के लिए। तो चलिए जय भोले, भोले का नाम लेके इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।